इंटरनेट यूजर तो है ना, तो गूगल का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जरूर यूज करते ही होंगे। आज की वीडियो में आपको समझाने वाले हैं उस डेटा के बारे में जो हर दिन आप गूगल के अलग अलग वेबसाइट्स एप्लीकेशन को यूज करने के बाद जनरेट करते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान लीजिए गूगल के यूट्यूब को आप यूज करते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, कितना यूज करते हैं, सब कुछ तो गूगल के सर्वर पर सेव है। मान लीजिए आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, कब कब कहां कहां जीपीएस का इस्तेमाल करके लोकेशन, कौन कौन से रास्ते आपने कब कब खोजे हैं, कहां कहां गए, सारा का सारा डेटा गूगल के सर्वर पर सेव है। इसके अलावा आप गूगल के कौन कौन से ब्राउजर पे क्या क्या सर्च करते हैं, सारी की सारी हिस्ट्री सब कुछ तो गूगल के सर्वर पर सेव है। कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। मान लीजिए किसी के हाथ ये लगता है तो क्या क्या हो सकता है, आप बेहतर जानते हैं अपने हिस्ट्री के बारे में। अब इस सारे डेटा को रेगुलर मॉनिटर करना भी जरूरी है, पेज से हटाना भी जरूरी है। मान लीजिए आपके पास इतना वक्त नहीं है और ना आज से पहले आपने कभी इसके बारे में सोचा, तो गूगल मौका दे रहा है, ऑटो मोड पर गूगल को काम करने दीजिए, आप रिलैक्स होके पीछे बैठिए। लेकिन अभी नहीं बैठना है, पहले ये सेटिंग जरूर कर लेनी है। आप गूगल के किसी भी ऐप को चाहे स्मार्टफोन पे ओपन कीजिए या फिर आप वेबसाइट को जाकर अपने लैपटॉप पीसी पे ओपन कीजिए, मतलब चाहे आप जीमेल पे जाइए, चाहे ब्राउजर गूगल क्रोम पे जाइए, चाहे आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे ऊपर की तरफ जो आपने आइकन, जो भी फोटो अपने प्रोफाइल का यूज किया है वो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिए। कुछ जगहों पर आपको दिखाई देगा ब्लू लाइन, ब्लू कलर की एक हेडिंग जिस पे लिखा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। मान लीजिए अगर कुछ जगहों पर ये नहीं है तो वहां पर गूगल अकाउंट्स लिखा होगा बड़ा बड़ा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो गूगल की है उसका एक पूरा पेज, होम पेज ओपन होगा जिस पर ढेर सारा मटेरियल दिया होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो उन मटेरियल से आपका मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करना है, तो थर्ड ऑप्शन होगा डेटा एंड प्राइवेसी का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, ऊपर की तरफ दिया होगा बड़ा बड़ा प्राइवेसी सजेशंस अवेलेबल। ये सजेशन गूगल की तरफ से ही आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं। बस क्या करना है, सिंपली इसको टच करना है। टच करने के बाद ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपने जो जो वेब हिस्ट्री आपने आज तक क्रिएट की है गूगल के ब्राउजर्स पर या फिर ऐप में, जो जो एक्टिविटीज की है गूगल के किसी भी ऐप में, वो सारी की सारी ऑटो मोड पर डिलीट करनी है। तो वो नीचे जो ब्लू बटन दिया है ना उसको क्लिक कर दीजिए फटाफट से। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जाइए। जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक डिलीट लोकेशन हिस्ट्री, यानी कि मैप्स पे आज तक आपने जो हिस्ट्री बनाई है वो सारी की सारी ऑटो मोड पर डिलीट करनी है। सेटअप कर दीजिए फटाफट नीचे क्लिक करके, फिर आ जाइए नेक्स्ट पे। आपको मिलेगा तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक डिलीट यूट्यूब हिस्ट्री, इसको भी आप ऑटो पे जो नीचे ब्लू बटन दिया है फटाफट से बिना सोचे समझे क्लिक कर डालिए। अब जैसे ही आप ये तीनों के तीनों क्लिक कर देंगे, चौथा भी किसी किसी को ऑप्शन मिल सकता है जिसमें है कि आपके जो इनएक्टिव अकाउंट्स है, जब आप उन अकाउंट्स को लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे हैं तो उन सब का जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाए। ये चार के चार प्राइवेसी के कस्टमाइज ऑप्शन है जो कि रिकमेंड किए हैं गूगल ने आपकी सहायता के लिए। इन सब को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो नीचे डन दिया हुआ है, डन कर दीजिए। गूगल भी आपको रिकमेंड करेगा कि आपने पूरी की तरह से रिव्यू जो है कर लिया है पूरी की पूरी प्राइवेसी सेटिंग्स का, और आप रिलैक्स हो जाइए, फिर आपका कोई भी डेटा गूगल के सर्वर पर लंबे समय तक नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक वो समय समय पर डिलीट होता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये बेहद काम की लगी हो वीडियो और जानकारी भी बिल्कुल सही लगी हो तो फटाफट से इस बार तो लाइक कर ही दीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। बाकी इसी तरह की मजेदार वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे अपने चैनल पर। रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।